दोस्तों, आप सब कैसे हो? बहुत जन मेरा ये सॉन्ग सुन के हंस रहे होंगे। ये हंसने वाला ही बात है दोस्तों। एक्चुअली मैं बताने जा रहा हूँ कि जब शुरू शुरू में हम लोग का हाथ में गिटार आता है तो क्या होता है, उसके बारे में आप लोगों को कुछ नॉलेज देना चाहता हूँ। तो देखिए, नया जब हम लोग गिटार खरीद के लाता हूँ, कुछ नॉलेज ही नहीं होता है। दुकान से ट्यूनिंग करके दे देता है और घर पे लाने के बाद हम लोग कुछ भी उसमें ट्राई कर देता हूँ, कुछ भी बजाने लगता हूँ, जो जो बोलता है वही हम लोग शुरू कर देता हूँ। कोई मान लीजिए बता दिया कि सी कॉर्ड बजा रहा हूँ मैं, देखिए सही बजा रहा हूँ, सी कॉर्ड ए माइनर बजा रहा हूँ, तो बता दिया चलिए जी। अब देखिए कैसा साउंड कर रहा है, अभी समझ में आ रहा है, अरे तो पूरा डिस्टून बज रहा है। लेकिन जब नए नए में हम लोग गिटार खरीद के लाता हूँ या नए नए हाथ में जब गिटार आता है, तब दोस्तों क्या इसके बारे में नॉलेज था? तब तो ऐसे साउंड किया था दोस्तों। फर्स्ट टाइम गिटार हाथ में लेना मतलब बंदर के हाथ में नारियल देना, क्योंकि बंदर के हाथ में अगर नारियल देंगे तो ना वो तोड़ पाएगा ना खा पाएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि इसको क्या किया जाए, क्या करना होता है। तो मैं जानबूझ के इसको छेड़ दिया, ट्यूनिंग खराब कर दिया, क्योंकि आप लोगों को मुझे बताना था कि फर्स्ट एक्सपीरियंस के बारे में। ये मेरे साथ भी हुआ है दोस्तों, और आप लोग जो भी नए नए मतलब अभी गिटार खरीद के लाए हैं, ऐसे कुछ साउंड कर रहा होगा, क्योंकि हम लोग का शुरू शुरू में दोस्तों नॉलेज ही नहीं रहता। गिटार लाने के बाद हम लोग शुरू हो जाता हूँ, कुछ भी मतलब जो जो भी बोला शुरू कर देता हूँ। मान लो ऐसे, तब लगता है कि ऐसे मान लीजिए कुछ भी शुरू शुरू में कर दिया, कुछ भी बजा, देखिए क्या होता है, कुछ सिस्टम नहीं, पिक पकड़ने का सी कॉर्ड ऐसे हम लोग बजा लिया, गाना भी कोशिश कर लेता हूँ तो जिंगल में बजा लिया, मान लीजिए जिंगल, क्या बज रहा है। लेकिन उस टाइम पे दोस्तों जब नया हाथ में गिटार आता, उस टाइम पे यही बहुत अच्छा लग रहा था, हाँ सही लग रहा था, सब कोई वाह वाह भी दे रहा था। लेकिन अभी समझ में आता, वो दिन सोचने से हंसी भी आता है कि क्या हो रहा था। तो इसको सवाल है दोस्तों, इसको कैसे ठीक किया जाए। ये तो मैंने हाथ में गिटार लेने के बाद फर्स्ट टाइम, जो बिगिनर है अभी नए नए आप लोग गिटार खरीदे, सबके ऊपर ही ऐसा हो रहा होगा। तो सही तरीका क्या है, गिटार लाने के बाद आप लोग कैसे शुरू करेंगे, क्या प्रैक्टिस करना चाहिए कि लाने के बाद ही शुरू हो जाए? नहीं दोस्तों, इसका स्टेप बाय स्टेप होता है। आप लोगों के लिए जो बिगिनर है उन लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाऊंगा। ये तो आप लोग फर्स्ट एक्सपीरियंस के बारे में आज बता रहा, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा कि कैसे आप लोग शुरू करेंगे। आप लोग जो बिगिनर लोग गिटार खरीदे तो उनके लिए भी बताऊंगा कि आप लोग लाने के बाद क्या करें, सही तरीका क्या है स्टार्ट करने का गिटार। तो ऐसे मेरे चैनल में बहुत सारा सॉन्ग ट्यून वगैरह है, आप लोग फॉलो कीजिए। लेकिन अब से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो बिगिनर लोग हैं जिसका जिसका प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, वो सारा चीज़ मैं सॉल्व करूँगा, एक एक करके लेसन आप लोगों को देते जाऊँगा। आप लोग देखिए और आशा करता हूँ उसमें से आप लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे। सबको बोलना चाहता हूँ दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उन लोग को बहुत बहुत थैंक यू, एंड जो लोग अभी तक नहीं किए देख रहे हैं मेरे चैनल को, फॉलो कीजिए, तुरंत जाके अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं जो सीरीज़ करने जा रहा हूँ ये बिगिनर के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ, छोटा छोटा वीडियो बनेगा और छोटा छोटा चीज़ को मैं डिटेल्स में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग, आशा करूंगा आप लोगों को बहुत ही फायदा होगा। नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ कि कैसे सही तरीके से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, एंड स्टेप बाय स्टेप मैं गिटार स्टार्ट करूंगा। ये आप लोगों का फर्स्ट लेसन था, तो आशा करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा एंड हंसी भी आया होगा। तो चलिए बने रहिए, नेक्स्ट मिलता हूँ फिर दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।